ख्याली पुलाव ये करेंगे जिंदगी में वो करेंगे <laughs> खाना बनाओ कोई हाय दिस इज तिगमानशु धूलिया और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे

क्योंकि एक तो मैं बहुत यंग था जब मैं उन्नीस साल का था मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं ड्रामा स्कूल चला गया पहले नहीं हो गया मेरा उसके पहले मैं थिएटर करता था इलाहाबाद में तो बहुत कंफ्यूजन था मैं तो कहीं भी ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ पे थोड़ी सी इस तरह की क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो रही हो थोड़ा फ्रीडम हो तो वही है कि पहले मैं पहले एनएसडी को देखने के एन एस है क्या ये तो मैं गया देखने तो वहाँ सेकेंड ईयर का प्ले चल रहा था तीन साल का होता है तो सेकेंड ईयर वालों का नाटक चल रहा था जिसमें इरफान शुपाल मीता वशिष्ठ ये सब लोग थे मुझे तो याद है फ्यूजी हमारा नाम था उस प्ले का और मैंने पहली बार एक्टरों को इस तरह से एक्टिंग करते हुए और इतना पास इंटरमेट जैसे स्टूडियो थिएटर छोटा सामने और फिर देखा कि ये लड़के लड़कियाँ फिर घूम रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं चाय पी रहे हैं रात को दस बजे को किसी को घर जाने की या कहीं जाने की वो नहीं है तो मुझको लगा मुझे यहीं आना यही जगह है मेरे लिए और फॉर्चुनेटली uh, मेरा पहले में हो गया तो मैं तो डायरेक्शन ही लेना चाहता था एक साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है फिर स्पेशलाइजेशन होता है दो साल का तो मैं डायरेक्शन लेना चाहता ही था जी। लेकिन मैं और एक और स्टूडेंट था हमारा दोस्त किशोरजीत सिंह मणिपुर का हम दोनों लेना चाहते लेकिन उन्होंने कहा कि दो बच्चों के लिए हम फैकल्टी नहीं ला सकते तो हमको फिर एक्टिंग पहला हिस्ट्री एनएस की हिस्ट्री में पहला ऐसा बहस था जो कि पूरा का पूरा एक्टिंग में था सब ने एक्टिंग में स्पेशलाइज किया तो मुझे मजबूरन करनी पड़ी एक्टिंग तो मैं बहुत खराब एक्टर था एन एस से निकलने के बाद मैंने कभी एक्टिंग की भी नहीं मतलब सीरेज वासेपुर की लाइक like, <laughs> उस उस रोल uh, के लिए तो आपको बहुत बहुत प्यार मिला ही है बट बिफोर यू डायरेक्टेड योर फर्स्ट फिल्म जो कि आई थिंक दो

डायरेक्टर थे दिल्ली के इन्होंने मैसी साहब बनाई थी उनको रघुबीर यादव को उसमें नेशनल इन विच ला गिव्स अली दोज दोजवंस बनाई थी एक फिल्म बड़ी बढ़िया फिल्म थी उसमें शाहरुख भी था अच्छा तो वो अपनी तीसरी फिल्म बना रहे थे इलेक्ट्रिक मून हाँ. और चैनल फोर का प्रोडक्शन था इंडियन प्रोडक्शन नहीं था okay. इंग्लैंड का चैनल फोर उनका फाइनेंस था उसमें तो वो फिल्म में मैं पहली बार असिस्टेंट डायरेक्टर बना और हबीब है जो हबीब फैजल डायरेक्टर है वो भी असिस्टेंट था हम दोनों साथ में असिस्टेंट थे वो जामिया से पास आउट हुआ था मैं ड्रामा स्कूल से हुआ था वहीं हम दोनों की दोस्ती भी आज तक है तो वो पहली फिल्म थी उसके बाद मैं दिल्ली रह गया तो उस वक्त दिल्ली में इतनी फिल्में बनती नहीं थी जितनी अभी बनती हैं <laughs> तो वो दिल्ली में मैं जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर बॉबी बेदी उसके उन्होंने अपने काम शुरू किए में उनके साथ काम करने लगा और फिर बैंडेड क्वीन भी <laughs> तो बैंडेड क्वीन का प्रोडक्शन दिल्ली का था बॉम्बे से सिर्फ शेखर जी आए थे एज डायरेक्टर तो मैं तो ऑलरेडी दिल्ली में बॉबी के साथ कर ही रहा था तो बाकी

ये ये है मुझे लगता है इनको ये देनी, देखनी चाहिए तो मैंने सर से कहा सर मैं भी आपको एक, एक चांस मतलब एक एक मौका मुझे तो कदम दे दीजिए तब मैंने उनको सीमा का प्ले चल रहा था खूबसूरत बहू वो दिखाया विक्रम अल्लाह के रोल के लिए वो कोई मिल नहीं रहा था उनका रेफरेंस था कि यार ऐसा एक्टर हो जिसको तो आदमी देखे ऑडियंस बोले कि ये तो मर जाएगा इतना खूबसूरत होना चाहिए ऐसे लंबे बाल तो मैंने कहा सर एक है लड़का लेकिन उस वक्त है नहीं यहाँ पे दिल्ली में इंडिया में नहीं है और मेरा बैचमेट है निर्बल पांडे नाम है उसका कोई तस्वीर अब उस वक्त तो तस्वीर होती भी जब तो मैंने वही सुबह सुबह हॉस्टल से बाहर निकले सगेट हाथ में चाय भी है इस टाइप की होती है ना आँखें मारते हुए जो फ़ोटो थी एक दो तीन थी मैंने कहा ये है हाँ। ये लंबे लम्बे तो उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो लंडन में कोई प्ले कर रहा है फिर नेटवर्न को बुलाया गया

एक साल में अपने भाई के साथ रहा तो मैं सुबह सुबह चला आता था साथ दिन भर वही ख्याली पुलाव ये करेंगे जिंदगी में वो करेंगे <laughs> खाना बनाओ कोई तो हम तो लोग काफी वक्त मतलब सुबह से लेकर शाम तक रोज का कई सालों तक इंपॉर्टेंट कि ये फेज भी होना चाहिए हर एक आ, हर एक जर्नी में एक डायरेक्टर की जर्नी में एक्टर की जर्नी में होना चाहिए पता नहीं लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है <laughs> अच्छा एक और बहुत ही फ्रीडम से भरे हुए और बहुत कुछ करने की ललक और आपके वो तरह की डिजायर कुछ करके दिखाएंगे और किसी का डर नहीं सबसे अच्छा वक्त वही होता है जिंदगी का बिल्कुल बिल्कुल इसके अलावा दिल से फिल्म के भी आपने डायलॉग्स लिखे एंड टेलीविजन की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे शोज थे जिससे देखकर हम बड़े हुए हैं वन ऑफ विच इज़ माय एब्सोलुट फेवरेट विच इज जस्ट मोहब्बत आप उससे भी एसोसिएटेड रहे तो टेलीविजन पर ये जो अगला फेज था आपका वो कैसा रहा टेलीविजन करना नहीं चाहते थे हाँ फिल्म करना चाहते थे अच्छा तो बैंडेड क्वीन के बाद शेखर जब आखिरी दिन शूटिंग का था तो शेखर जी शेखर जी तो बॉम्बे गए थे हम दिल्ली गए थे कोई तो उन्होंने मुझको बोला साथ में हम लोग छत पे सो रहे थे तो कहते टिशू क्या करेगा मैंने कहा था दिल्ली आऊ जाऊ शूटिंग हो दिल्ली वापस घर कहता मेरे को आ जाना सिर्फ करने बॉम्बे मैंने कहा कि और पूछ पूछ तो मैं चला आया नाइन्टी जुलाई नौ तारीख जुलाई को

उस फिल्म में जो भी एक्टर स्टार जो भी हो फिर असिस्टेंट एडिटर अपनी एक स्क्रिप्ट या कुछ दोस्ताना एक एक, एक रिलेशनशिप हो जाए एक्टर के साथ कुछ सुना दिया तो था ठीक है चल वीडियो तेरे पिक्चर करता हूँ कर, ऐसे डायरेक्टर बनते थे अच्छा तो हालांकि शेखर जी के कुछ अनफिनिश प्रोजेक्ट्स थे तब दुश्मनी फिल्म थी सनी देव जाकी श्रॉफ मनीषा कुरैला अनुपम खेर ये सब थे उसमें बड़ी फिल्म थी तो उसके अब कभी अभी शूटिंग होती थी तो हम तो वो कर नहीं पाए और शेखर जी भी एलिजाबेथ करने चले गए उनको हाँ। मिली एलिजाबेथ बड़ी फिल्म एलिजाबेथ हाँ उसके फोर तो वो करने वो चले गए और क्या करते हम घर भी चलाना था तो उस बीच शेखर जी ने एक बहुत बढ़िया चीज एक नया चैनल शुरू हुआ था बिजनेस हु। इंडिया मैगजीन का बी आई टीवी और तब कोई प्राइवेट चैनल नहीं था सिर्फ जी टीवी था तब तो ये वी आई जब शुरू हुआ तो शेखर जी को उसका क्रिएटिव हेड बना दिया गया अच्छा तो कई लोगों को प्रोग्राम बनाने को मिला और हमको भी शेखर जी ने मैं सौरभ शुक्ला और कना अय्यर एक डायरेक्टर हैं जो एक थी डायन जिसने बनाई थी और हम तीनों प्रोड्यूसर बन गए शूट एंड कट करके एक कंपनी हमने छोटी सी पार्टनरशिप कंपनी खोली और हमने कहा ठीक है हम भी बनाएंगे सीरियल तो मैंने कहा ठीक है मैं और है और मैं और सौरभ लिखते हैं और डायरेक्ट मैं डायरेक्ट करता हूँ तो उसका नाम था हम बम्बई नहीं जाएंगे <laughs> हम बंबई नहीं जाएंगे हमने बनाया आज मतलब उससे बड़ा स्टार स्टडेड शो मुझे नहीं लगता किसी ने कभी बनाया होगा अच्छा तब वो स्टार नहीं थे क्योंकि अब हो गए <laughs> तो कौन-कौन थे, थे उसमें उस इरफान था मनोज वाजपेयी था सौरभ खुद था मनोज पावा था श्रीवल्लभ व्यास गुजर गए वो थे सुमुखी पेंट से थी यही काफी नहीं है हम बम्बई नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो वो चैनल चला नहीं किसी कारण से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ चक्कर हुआ तो वो हुआ नहीं हम लोगों ने कुछ एपिसोड बनाए भी थे तो क्या वो एक्टर संजय मिश्रा भी था उसमें तो सब ये एक्टर्स का तब क्या होता था तो अपनी ये शो रील दिखाते थे ना प्रोड्यूसर्स को काम के लिए तो ये सब दिखाने लगे उसके क्लिपिंग्स तो सब कहते थे कि ये अच्छा बहुत बढ़िया काम किया इसने डायरेक्ट किसने किया इसको तो बिना मैं स्ट्रगल किए मेरी स्ट्रगल हो रही थी थ्रू दीज एक्टर्स तो कहते हैं डायरेक्टर है या शेखर जी का असिस्टेंट है एक नाम है एक नाम करके करके फिर मैंने टेलीविजन में पकड़ लिया फिर करना था तब सोप्ड नहीं होता था हफ्ते में एक बार आता था सपना तो नया दौर जी के लिए मैंने किया जस्ट मोहब्बत के शुरू के पाँच छह एपिसोड किए डायरेक्ट किए हाय दसस्गमांशु धूलिया और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे